टीआरपी की रेस में अक्सर ये देखा जाता है कि बाबा कौन आगे निकल गया कौन पीछे। इस बार जो है कलर्स ने तीन नए जो है शुरू के सीरियल जुनूनियत, इश्क में घायल और अब बेकाबू जो है जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसकी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारी टीम लगातार वहां से आपको अपडेट देती रहेगी। तो अब जो नई टीआरपी आई है, धर्मपत्नी भी शुरू किया था, तो इस टीआरपी में लगातार लोग अब इस बात का कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी और करण के शो में किस शो को अच्छी टीआरपी मिल रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी शो जो है एक टीम वर्क होता है, किसी एक आर्टिस्ट के इससे हम जज नहीं कर सकते। जहां नागिन आया और लगातार नंबर वन पर बना हुआ था, और अभी भी मैं बात करूं तो कलर्स के जो अच्छे शो हैं जिनकी टीआरपी आ रही है सबसे ज्यादा, उसमें उड़ारियां, परिणीति और नागिन है, इन तीनों की ही 1.5 की टीआरपी है। वहीं दूसरे नंबर पर धर्मपत्नी आता है जो कि फरमान का है 1.4 की टीआरपी के साथ, और तेरे इश्क में घायल की टीआरपी 1 है, जुनूनियत की 1.1। तो अब लगातार जब ये टीआरपी सामने आई है तो फैंस का ये कहना है कि भाई देखो जो ट्रोल करने वाले हैं उन्हें कोई भी एक मौका चाहिए होता है, और वो कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी के शो की टीआरपी करण के शो से ज्यादा है, यानी कि करण का शो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना तेजस्वी का शो कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि टीआरपी, सफलता असफलता, कुछ शो हिट हो जाते हैं नहीं हो पाते, ये कोई एक पर डिपेंड नहीं करता, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। तो अब जो टीआरपी आई है उसमें परिणीति, उड़ारियां और नागिन 1.5 पर है, दूसरे नंबर पर फहमान का धर्मपत्नी है, तीसरे पर अगर मैं बात करूं तो 1.1 की टीआरपी के साथ जुनूनियत है, और इसके बाद आता है तेरे इश्क में घायल। बाकी जो इनके सीरियल है ससुराल सिमर का, दुर्गा और चारू, अग्नि साक्षी और मोल की, इनकी जो टीआरपीज हैं वो 0.67 के आसपास जो है वो टीआरपी सामने आई है।